हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशूड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई तो ये जो सर्कुलर है मैंने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है आप भी जाके इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं सर्कुलर जो है वो मराठी में है तो इस सर्कुलर में देखते क्या लिखा है तो इस सर्कुलर में ये जो पैराग्राफ है आई विल रीड दैट त्या अनुषंगाने विविध शैक्षणिक विभाग प्रमुख शिक्षक विद्यापीठ प्राप्त सर्व संस्थांमधील शिक्षकांना सूचित करण्यात येते की आ, उपरिक्त संदर्भ क्रमांक आठच्या च्या विद्यापीठ परिपत्रक दिनांक 31 मार्च 2020 हजार वीस अन्वे दिनांक एक चार दोन हजार वीस ते चौदा एप्रिल दोन हजार वीस घोषित केलेला अंतिम उन्हाळी सुट्टीचा कालावधी दिनांक तीन मे दोन हजार वीस पर्यंत वाढवण्यात आलेला आहे दॅट मीन्स धिस सर्कुलर सेज दॅट दे वेर द टीचर्स अँड ऑल द नॉन टीचिंग एज वेल एज द स्टाफ्स ऑफ युनिवर्सिटी जितने भी कॉलेज के स्टाफ थे जितने भी युनिवर्सिटी का स्टाफ था उनको मे वेकेशन्स वेकेशन द्या गाथा फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टींथ ऑफ अप्रिल 2020 लेकिन इसी को अभी और आगे बढ़ाया गया है एंड दैट विल बी अप अपू थर्ड मे 2020 तो ये थर्ड मे ट्वेंटी ट्वेंटी तक उनको वर्क फ्रॉम होम ऐसा बोला गया है सो दैट इज द सर्कुलर इशूड तो ये सर्कुलर में क्लियरली मेंशन है कि जो ये लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन जो थर्ड मे तक जाएगा तो थर्ड मे तक आपके कोई भी एग्जाम होने के चांसेस इसमें नहीं दिए गए और जो भी एग्जाम्स होंगे वो थर्ड मे के बाद ही यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर डिटेल बताए जाएंगे मैं आपके साथ और एक सर्कुलर डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारे आइडॉल के स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स फ्रॉम डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो सर्कुलर भी मैं आपको बताऊंगा और इन दोनों सर्कुलर को मैं डिस्क्रिप्शन uh, में दे रहा हूँ वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और ये काफ़ी ऑथेंटिक है मैंने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जाके ही डाउनलोड किया है तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाके इसको uh, चेक कर सकते हैं तो थर्ड मे तक फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है सिंस ऑल ऑफ यू आर अवेयर द थर्ड मे तक तो हमारा लॉकडाउन है इसलिए थर्ड मे के बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स दिए जाएंगे सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग अबाउट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो आई रिपीट ऑनलाइन एग्जाम के बारे में भी अभी तक कोई भी डिसीजन ऐसा लिया नहीं गया है और ऑनलाइन एग्जाम लेने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो हम अभी तक इससे कुछ भी पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर सकते देर आर मेनी प्रॉब्लम्स कहीं कहीं तो इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है तो ऑनलाइन एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर कोई भी डिसीजन अब तक नहीं लिया गया है तो अगर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कोई भी नया डिसीजन आता है तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन ऑनलाइन एग्जाम अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है तो आप अपने आपस में कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे रूमर्स ना स्प्रेड करे कि अभी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है ऐसा कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है तो अभी हम दूसरा सर्कुलर देखेंगे जो आइडोल के स्टूडेंट्स के लिए है तो वो भी अभी हम चेक करते हैं So this is the uh, circular for University of Mumbai uh, for IDOL students, IDOL students ke liye circular hai ki IDOL has postponed the exam until 3rd May 2020, revised schedules of the examination of all the programs under IDOL will be declared after 3rd May 2020. तो जितने भी एग्जाम्स थे आइडॉल के एफ आई एस वाई टी वाई बी ए बी कॉम बी एस सी आई टी साइंस एम ए एंड एम एजुकेशन एम कॉम पार्ट वन पार्ट टू एम सी एफ आई एस वाई टू ए पी जी डी एफ एम पी जी डी आर एम सारे के सारे एग्जामिनेशन को थर्ड मे तक पोस्टपोन किया गया है थर्ड मे के बाद रिवाइज जो शेड्यूल होगा वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं की विल बी अनाउंस आफ्टर थर्ड मे 2020 ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट सो दिस इज दिस लेट सर्कुलर ऑफ सेवनटीन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी तो फिलहाल इस दोनों सर्कुलर से हमें यह पता चल रहा है कि थर्ड मे ट्वेंटी ट्वेंटी तक कोई भी एग्जाम्स होने के चांस नहीं नहीं है बिकॉज थर्ड मे तक तो लॉकडाउन है और थर्ड मे के बाद भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पूरा डिटेल uh, दिया जाएगा कि एग्जाम्स उसके बाद क, कैसे होंगे कब होंगे और किस तरीके से एग्जाम्स लिए जाएंगे एवरी थिंग विल बी क्लियरली स्पेसिफाइड ऑन दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट टिल देन आप पढ़ते रहे ऐसा तो मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें भी बताया था एग्जाम्स नहीं होंगे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है एग्जाम होंगे तो इसीलिए यू शुड कंटिन्यू विद योर स्टडीज एंड रूमर्स को स्प्रेड ना करें जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलता है उसको पहले ऑथेंटिकेट करें मैंने आपको पहले भी बताया था तो ये जो सर्कुलर है मैंने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही लिया है आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो और इस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूं ठीक है दैट सेट दिस वॉज द वीडियो तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू बाय बाय टेक केयर बी एट होम बी सेफ